हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रामवीर राजपूत स्वागत करता हूँ इंडिया के नंबर वन स्टडी लर्निंग चैनल वाईफाई स्टडी में। भाई पिछली क्लास में हमने क्या बात किया था? पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किए थे हीट ट्रीटमेंट के बारे में, है ना। हीट ट्रीटमेंट के हमने क्वेश्चंस भी देखे थे और हीट ट्रीटमेंट के बारे में हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। अच्छा, अब जो आज को हम क्लास स्टार्ट करने वाले वो है बेयरिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों की कंप्लेंट थोड़ा सा ये लग रहा था कि वो सर डीजल का ध्यान समझो, मेरी बात को जरा क्लियर थोड़ा समझना। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, है ना। घबराने की 1% ज़रूरत नहीं है। अपना जो मेन पार्ट है एग्ज़ाम के अंदर, जो अपना जो 90% जो कह सकते हो आपके, जहाँ से सिलेबस आने वाला है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होंगे, वो पार्ट अपन ने कौन कौन सा लिया है, वो सारा पार्ट लगभग कंप्लीट गया अपन ने। उसमें देखो, सबसे पहले इंजन के जो पार्ट्स होते हैं ना, मुख्य भाग जो होते हैं ना, वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद में फिर हमने क्या कंप्लीट किया, फिर हमने 2-स्ट्रोक इंजन 4-स्ट्रोक इंजन के बारे में देखा, फिर इसके SI CI के बारे में देखा, टाइप्स ऑफ इंजन कितने कितने तरीके के होते हैं ये सब देखा। उसके बाद में अपन ने वाल्व वगैरह के बारे में देखा, वाल्व प्राइमिंग के बारे में देखा, कूलिंग सिस्टम के बारे में देखा, यानी कुल मिला के काफ़ी सारा मटेरियल हमने वहाँ के आगे क्या एकदम टच किया है ना। तो वहाँ से आप लोग उसको कंप्लीट करो, है ना। तो उसको आप कंप्लीट करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो, है ना। देखो, अभी सभी ट्रेडें हमारे सामने हैं, और भी कई ट्रेडें हैं, हम लोग और भी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अभी तो हम फिटर के भी देख रहे हैं, फिटर का भी सिलेबस थोड़ा हो जाने दो, धीरे धीरे और ट्रेडों का सिलेबस हो जाने, फिर एक बार और आपके लिए ना इसके क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, है ना। इसके क्वेश्चन थोड़े लार्ज क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो परीक्षा में पहली बार तो आ चुके हों या फिर आने के बहुत ज़्यादा चांस हो गए। तो कुल मिलाकर के आप घबराइए मत 1% भी, है ना। अभी तो हमने क्या किया है, हमने एकदम उसका जो मेन पॉइंट होता है टेक्निकल पॉइंट, देखो ऐसा ऐसे भी कई जगह हैं, उसमें कई ऐसे पॉइंट भी हैं डिजिटल मैकेनिक ट्रेड के अंदर जो हम क्या नाम है उसमें टेक्निकल पॉइंट कुछ नहीं है। देखो जैसे क्या नाम है आपकी ऑयल की लाइन वगैरह के बारे में दिया हुआ होता है ना, और क्या नाम है आपके इंजन के बेसमेंट के बारे में दिया होता है ना, तो बहुत छोटे मोटे चीज़ें हैं, ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। और भी कोई चीज़ होगी तो मेरे को आप बताना, है ना। और कोई दिक्कत आएगी तो फिर अपन उसको और देख अभी टाइम लेंगे इसमें, एक और बार अपन क्या करेंगे इसके क्वेश्चंस लेंगे, शॉर्ट नोट मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लेंगे जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, है ना, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस लेंगे ना, सभी ट्रेडों का लेंगे, ऐसा नहीं है एक ही का लेंगे, सभी का होगा ऐसा, है ना। तो आप घबराओ मत 1% भी, क्योंकि वहाँ से केवल शॉर्ट क्वेश्चन से हमारा काम चल जाएगा। टेक्निकल पॉइंट जहाँ है वो तो अपन ने कंप्लीट किया, जैसे 4-स्ट्रोक इंजन है, है ना, कि FIP पढ़ाया अपने को, है ना, इंजेक्टर पढ़ाया है ना, गवर्नर वगैरह और सारी बहुत सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की है इसमें ना। तो आप घबराओ मत 1% भी। जय माता की, सभी को बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएँ, ठीक है। आज जो हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं भाई, अपने को सबको याद है क्या है, बेयरिंग। किसकी बात करने वाले हैं, बेयरिंग की। अब देखो आज की जो बात है, हाँ, वेल्डर कब तक होगा, मेरे मालूम है आप लोग ऐसे ही बोलोगे ना, ध्यान समझो। जी देखो, जिनका हो रहा है, जिनका चल रहा है, चलने वालों पे थोड़ा ध्यान दो, वेल्डर होगा थोड़े टाइम बाद, एक आध वीडियो आपके लिए लेकर के जल्दी से जल्दी आने वाले हैं ना, वीडियो इसमें वेल्डर के लिए जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लो, है ना। देखो कोशिश पूरी जल्दी रहेगी, जल्दी करने की। हाँ, आज जो हम बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, बेयरिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बेयरिंग की बात कर रहे हैं। देखो भाई, अपने सामने जो है बेयरिंग के बारे में दिया हुआ, ठीक है। अब बेयरिंग होता क्या है, सबसे पहले नंबर पर हम बेयरिंग के बारे में ये समझ होता क्या है, ठीक है। अब देखो, हमने नॉर्मल शब्द बोल दिया बेयरिंग। अब बेयरिंग से हमारे मतलब दिमाग में तो बहुत कुछ चीज़ें आती हैं कि हाँ यार, कुछ ऐसा पार्ट होगा, मूवेबल होगा, कुछ मतलब कुछ ना कुछ मतलब घूमने वाला होगा ऐसा। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि भाई बेयरिंग कैसे कहते हैं, है ना, या फिर आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, तो उस बात को ज़रा ध्यान समझना कि भाई क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है भाई। क्वेश्चन ये आता है, किसी घूमती हुई शाफ्ट को घूर्णन करती हुई हुए, है ना, शाफ्ट अथवा पुर्जे को, शाफ्ट अथवा जॉब को, है ना, जॉब को सहारा यानी सपोर्ट प्रदान करने का कार्य कौन करता है,
कौन करता है? बेयरिंग। तो ध्यान समझना, किसी घूमते हुए शाफ्ट को सहारा प्रदान करने का कार्य है ना कि नहीं, सहारा प्रदान करने का कार्य, ये आप हमेशा याद रखना। इसी वर्ड से आपका क्वेश्चन क्या नाम है एग्जाम में पुट अप होगा कि किसी घूमते हुए शाफ्ट को या घूर्णन करते हुए शाफ्ट को या जॉब को सहारा प्रदान करने का कार्य किसका है, तो आपको क्या बोलना है? बेयरिंग बोलना है। क्या बोलना है? बेयरिंग, है ना। अगला पॉइंट पर हम चलते हैं। देखो भाई क्या होगा, अब देखिएगा होगा क्या, ध्यान समझना मेरी बात को। अब देखो हम बात कर रहे हैं बेयरिंग में, आगे भाई बेयरिंग के टाइप क्या हैं, बेयरिंग के टाइप क्या हैं। तो देखो भाई बेयरिंग के जो टाइप हैं, पहले नंबर पे जो हमारा बेयरिंग का जो टाइप आता है वो आता है प्लेन बेयरिंग, या फिर हम इसे कहते हैं जर्नल। क्या कहते हैं? जर्नल। ध्यान समझना, ये जो प्लेन बेयरिंग जो पार्ट होता है ये हमेशा याद रखिएगा, ये सपोर्ट तो करेगा, सपोर्ट तो करेगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई विशेष पुर्जा नहीं रहेगा जो उसको दो शाफ्ट के बीच में कोई कांटेक्ट का काम करे, ठीक है, डायरेक्ट जॉब के साथ में कांटेक्ट में रहेगा। देखो सबसे पहले हम देखो इसको प्लेन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्लेन यानी जर्नल। देखो जर्नल क्या होता है, देखो कोई भी शाफ्ट है, कोई भी शाफ्ट है वो मूव कर रही है, मूवेबल है, ठीक है। तो आपका ये वाला पार्ट है, ये शाफ्ट मूव कर रही है ना, यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है पार्ट, है ना, ये वाला भाग भी मान लो एक और है ना, तो ये वाला भाग भी है ना। तो देखिए भाई दो भाग हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपका कुछ पार्ट और लगा हुआ है, ठीक है। तो इस शाफ्ट का ये वाला हिस्सा वो है, वो क्या कहलाएगा? जर्नल कहलाएगा। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? जर्नल। अच्छा, और चीज़ों को इस तरीके से और समझो। देखो इस तरीके का आपने देखा होगा कोई मशीन, कोई पुर्जा आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, देखो भाई इस तरीके का आपने कोई पुर्जा देखा होगा यहाँ पर, जिसमें शाफ्ट कनेक्ट की जाती है, यहाँ पर जिसमें क्या की जाती है? शाफ्ट कनेक्ट की जाती है, है ना, शाफ्ट कनेक्ट की जाती है। ये नट, यहाँ पर क्या नाम है आपका, कुछ इसको सपोर्ट देने के लिए भी पॉइंट होते हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या की जाती है? शाफ्ट कनेक्ट की जाती है। देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आपको देखो मेरे पास होगा भी से इसका, हाँ ये रहा। देखो आई इसके अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये होल है, ठीक है, ये होल को क्या कर देंगे हम एक जगह पे फिक्स कर देंगे, और बीच वाला पोर्शन जो है इसके अंदर क्या लगेगी? शाफ्ट डायरेक्ट लग जाएगी यहाँ पर, डायरेक्ट शाफ्ट लग जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए ये क्या है? ठोस बेयरिंग है। कैसा बेयरिंग है? ठोस। सॉलिड का मतलब हो जाएगा ठोस, इसको हम ठोस नाम से भी जानते हैं, ठोस बेयरिंग, है ना, बेयरिंग। तो हमारे पास दो टाइप के बेयरिंग होते हैं, दो टाइप के कौन कौन से, एक तो प्लेन बेयरिंग है ना, और एक होता है एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग, जिसमें फ्रैक्शन यानी घर्षण क्या रहता है? कम रहता है। अब देखो आप यहाँ समझ सकते हो इसके अंदर घर्षण का मान जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा क्या रहेगा? घर्षण का मान यहाँ रहेगा। अच्छा इसके बाद में एक और बात समझो जरा, यहाँ पर जो है फ्रैक्शन होगा तो सही, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि इस तरफ वाले बेयरिंग्स में रहेगा, ठीक है। इसकी अपेक्षा यहाँ पर फ्रैक्शन का मान क्या रहेगा? बहुत कम रहेगा, ठीक है। अच्छा इसे एंटी फ्रैक्शन कहते हैं, इसे कई जगह पर हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं ना, इसको हम क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शन बेयरिंग, इन्हें हम फ्रैक्शन बेयरिंग भी कह सकते हैं। इन सभी बेयरिंग को हम क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शन बेयरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसे क्या कह सकते हैं? एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग, दोनों बात एक ही है ना। अब देखो पहले नंबर पे हमने जो बेयरिंग देखा वो कौन सा था? सॉलिड बेयरिंग। जरा समझना मेरी बात को, सॉलिड बेयरिंग। अब सॉलिड बेयरिंग, प्लेन बेयरिंग के अंदर भी हमारा कौन सा बेयरिंग हम पढ़ रहे हैं? सॉलिड बेयरिंग। अब सॉलिड बेयरिंग को हम बोलते हैं ठोस बेयरिंग। कौन सा बेयरिंग बोलते हैं? ठोस बेयरिंग। अगर कोई आपसे पूछता है कि ठोस बेयरिंग या बेयरिंग, है ना, बेयरिंग किस धातु का बना रहता है, तो ध्यान सुनिएगा, यहीं पर ही समझ लो, यहीं पर ही मैं लिख देता हूँ। जब भी आपसे बेयरिंग किसका बना रहता है तो आपको इधर की साइड बोलना है गन मेटल का। किसका बोलना है? गन मेटल का, है ना, ठीक है। यहाँ पर आपको किसका बोलना है? गन मेटल का। इस साइड अगर पूछता है, बोलता है कि बेयरिंग किसका बना रहता है, तो आपको एक तरफ तो क्या बोलना है? गन मेटल का। ठोस बेयरिंग किसका या प्लेन बेयरिंग किसका बना रहेगा? गन मेटल का, है ना। और जैसे ही आपको इस साइड आएगा तो यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा?
किस क्या पूछेगा एग्जाम में आया हुआ है, बेयरिंग किस धातु का बना रहता है, तो यहाँ पर आपको बोलना है क्रोमियम, हाई ग्रेड क्रोमियम, ये एग्जाम का वर्ड है इसलिए लिख रहा हूँ ना, हाई ग्रेड क्रोमियम, क्रोमियम स्टील। अच्छा एक बार तो ये वर्ड ऐसे भी आ चुका है हाई ग्रेड क्रोमियम स्टील, और एक बार ये वर्ड ऐसे भी आया है कि कार्बन क्रोम स्टील, है ना, एक बार ये वर्ड ऐसे भी आया है, यहाँ पर ही लिख देता हूँ दोबारा से, कार्बन क्रोम स्टील, क्रोम स्टील। तो अब ध्यान समझो, दोनों ही धातुएं क्या है, एक जैसी है, है ना, दोनों कार्बन क्रोम स्टील, तो बिना कार्बन के तो क्या होता, बनता ही नहीं है, और जहाँ क्रोम वर्ड आ गया यानी क्रोमियम है, यानी कार्बन क्रोम स्टील कहोगे तो भी बात क्या है, सही है। अभी मैंने आपको बताया था जहाँ फ्रैक्शन का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, वह धातु कौन सी है, फ्रैक्शन होने पर घिसने ना, कभी घिसने ना वाली धातु कौन सी है, कौन सी है, क्रोमियम रहती है, ठीक है, जो बहुत कम घिसती है, ठीक है। अच्छा ध्यान समझना मेरी बात, अब आपसे एग्जाम में, मान लो आपसे एग्जाम में, मैंने तो अभी आपको पढ़ा दिया वेयरिंग की धातु कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक तो गन मेटल का है और एक किसका, हाई ग्रेड क्रोमियम स्टील का, ये क्रोमियम स्टील का, मैंने तो दो बातें बता दी आपको, लेकिन एग्जाम में अब वो आपसे क्या पूछेगा, बताओ भाई बेयरिंग किस धातु का बनाया जाता है, अब ना तो वो सॉलिड बोलेगा, ना ही वो एंटी फ्रैक्शन बोलेगा, या ना ही वो प्लेन बेयरिंग बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं शब्द बोलेगा, सिर्फ आपसे क्या बोलेगा, बेयरिंग किसका बना रहता है, उस कंडीशन में आप क्या हो जाते हो, उलझ जाते हो ना। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, पिछली परीक्षा में 2014 की परीक्षा में ये आया हुआ प्रश्न है, तो अब उस कंडीशन में हम क्या करें, 10 साल पुराने पेपर उठाओ, एक एक चीज को देखो, वहां एक एक चीज आपको मिलेगी ना, तो ध्यान समझना मेरी बात, तो आपको क्या, हाँ डीजल मैकेनिक वाले पढ़ो ना इसको, देखो डीजल मैकेनिक, ध्यान सुनो, कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर डीजल मैकेनिक वाले भी इसे पढ़ें क्या, मुझे एक बात बताओ, आप मैकेनिकल ट्रेड से हो, पक्की बात है, ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, क्या बेयरिंग आपके सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, क्या आपका सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपको अभी ये कुछ टॉपिक तो आपको क्या करने है? पढ़ने हैं ना। अच्छा मैं एक और बात मैं आपको यहाँ स्पष्ट कुछ कहना चाहता हूँ, कि जिसको बात को आप थोड़ा सा क्लियरली हल समझ लेना, दिमाग में इसको रखना, क्योंकि रेलवे के अंदर, देखो रेलवे के अंदर अगर हम बात करें कि भाई कोई फिक्स परमानेंट कोई फिक्स सिलेबस रहा हो, तो अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इस बार कुछ बोला है कि भाई डीजल को अलग लेंगे, फिटर को अलग लेंगे, लेकिन सुनना मेरी बात, हर आईटीआई की ब्रांच में लगभग 40% सिलेबस उसकी खुद की ब्रांच का होता है, 40 से 60%, है ना, 40 to 60% पेपर जो आपका सिलेबस होता है वो खुद का होता है, और अगर हम बात करें 40% सिलेबस ऐसा होता है जो सभी आईटीआई की ट्रेडों में लगभग क्या रहता है, सेम रहता है, 40-50% लगभग सभी आईटीआई, जैसे आप किसी भी उठा लो, टर्नर और मशीनिस्ट, आप विश्वास नहीं मानेंगे, टर्नर और मशीनिस्ट की दोनों ब्रांचें अलग अलग हैं, लेकिन जब आप इनकी बुक देखोगे तो 90% सिलेबस एक ही है, 90% सिलेबस एक ही है, यहाँ तक कि बुक को मतलब जो प्राइवेट एडिशन है उन्होंने क्या एक ही बुक को बनाया हुआ, उसमें थोड़ा सा पोर्शन क्या क्या चेंज किया है। अच्छा फिटर के अंदर वहाँ से लगभग 30% पार्ट केवल 20% पार्ट वहाँ से किसका लिया गया है, फिटर के अंदर डाला गया, मशीनिस्ट और इसके अंदर मशीनिस्ट, और अब देखो ये वाला जो टॉपिक चल रहा है, देखो ये फिटर का भी टॉपिक है, ये मशीनिस्ट का भी टॉपिक है, टर्नर का भी टॉपिक है ना, तो ये एक सब पर्टिकुलर ट्रेड का टॉपिक नहीं है, 3-4 ट्रेड का टॉपिक है ना, तो आप लोग जो भी लोग क्या नाम है, आप लोग सब समझ रहे हो, मैकेनिकल, हमने मैकेनिकल क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, कि आपको मैकेनिकल ऑल ओवर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, आपको इसमें पूरा जुड़े रहना है, लेकिन स्पेशली स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई आपको फिटर का स्लॉट है तो स्लॉट फिटर के अंदर ये वाले चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है। रही बात आपके मैकेनिकल वालों की, भाई सुनो मेरी बात, बेयरिंग एक नॉर्मल जिसे बोलते हैं ना ABCD टेक्निकल लैंग्वेज की, ABCD ये वही चीज़ें हैं ना, इनको आपके माइंड में होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इनको अगर आपके दिमाग में नहीं होगा पता, तो रेलवे आपसे तुरंत कह सकती है, भाई कोई भी क्वेश्चन डाल कर कह सकती है, तो उस समय पर आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको ये चीज़ें पढ़नी है ना, कहाँ तक पढ़नी वो मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे वेल्डिंग वाला चैप्टर शुरू होगा ना वेल्डिंग, तो वेल्डिंग की एक भी चीज़ आप डीजल मैकेनिक वालों को नहीं पढ़नी, एक भी नहीं पढ़ना है वेल्डिंग में, तो है ना, और वहाँ से वेल्डर ट्रेड का भी चालू हो जाएगा। फिटर के अंदर भी वेल्डर होती है,
अब फिटर के अंदर भी वेल्डर है तो वेल्डर फिटर में भी चालू होगी, तो अब ये थोड़ा ना करने वाला हूँ मैं कि भाई फिटर के लिए वेल्डर अलग पढ़ा दिया और फिर वेल्डर ट्रेड के लिए पर्टिकुलर वही चैप्टर क्या क्या दोबारा से अलग दो दो बार थोड़ा ना पढ़ाएंगे यार। तो ध्यान से समझो मेरी बात को, पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चलो, बेयरिंग का चैप्टर है आप अपने साथ कंप्लीट करके चलो, है ना। अच्छा, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी जहाँ तक, है ना। अरे भाई मोहम्मद आसिफ सर, आशित है ना, आशित जी बोल रहे हैं ये जो पढ़ा रहे हो वो ग्रुप डी में आएगा क्या? ध्यान से सुनो मेरी बात, ग्रुप डी में टेक्निकल पोर्शन नहीं आता है, आपको नॉन टेक्निकल की तैयारी करनी है। सर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कूलिंग सिस्टम के लिए बोलो। सर रेफ्रिजरेशन और एयर कूलिंग सिस्टम ध्यान समझना, इसमें है तो चीज़ें बहुत अच्छी, लेकिन टेक्निकल पॉइंट मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। जितना मैं टेक्निकल पॉइंट को, मतलब जितना चीज़ें रेफ्रिजरेशन में जो मेन टेक्निकल पॉइंट है वो मैं आपको समझा दूंगा, उसके बारे में आपको कंडेंसर के बारे में बता दूंगा, एवोपरेटर के बारे में बता दूंगा, है ना, है ना, और आपको कंप्रेसर के बारे में बता दूंगा, है ना, कंप्रेसर किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन सी गैसें अप्लाई होंगी, किस गैस पर कितना टेम्परेचर क्रिएट किया जा सकता है, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, किस गैस का उपयोग नहीं करना चाहिए, किस गैस का होता था, ये चीज़ें आएंगी, है ना, और कंडेंसर को कूलिंग का सिस्टम पूरा आएगा, है ना, रेफ्रिजरेशन का मतलब एवोपरेटर का आएगा कि भाई एवोपरेटर का क्या नाम है आपका, आसपास का जो मतलब आपका बंद वातावरण जो होता है वो चीज़ पूरी की पूरी कंप्लीट आएगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए रेफ्रिजरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें, एक्सपेंशन वाल्व है तो एक्सपेंशन वाल्व में क्या क्या काम होते हैं, किस किस तरीके से काम करता है, थर्मोस्टेट वाल्व वहाँ आने वाला है ना, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो छोटा चैप्टर हो, छोटी चीज़ हो, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है वो भी, और कुल मिलाकर कहा जाए क्रम से होता है, धीरे धीरे होता है। अब एक ही ट्रेड के पीछे पड़ जाओगे हाथ धो करके तो फिर तो वो तो ट्रेड क्या नाम है, एक ट्रेड एक साल की होती है और एक साल के ट्रेड को आप कितना मानते हो आप, है ना। तो कुल मिलाकर टेक्निकल पॉइंट समझो फिर आगे बढ़ो, और बाकी सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से क्या करो, कंप्लीट करना शुरू कर दो, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट अगर यहाँ मतलब कोई टेक्निकल पॉइंट वाली बात हो ना तो आप मेरे से बोलो। अब जैसे कि कोई लुब्रिकेंट के बारे में आ जाता है, या फिर लुब्रिकेंट के साथ साथ आपके ऑयल वगैरह के बारे में आ जाता है, कोई मतलब ईंधन वगैरह के बारे में आ जाता है, तो आपको खुद को मालूम करना चाहिए, इसको खुद को देखना चाहिए कि भाई कहाँ लुब्रिकेंट के बारे में आ रहा है, कहाँ क्या नाम है ईंधन के बारे में आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर भी लुब्रिकेंट के बारे में थोड़ा बहुत आएगा हल्का सा, ठीक है, जैसे ऐसे ही नंबर से किसे मैंने कराया हुआ है डीजल मैकेनिक ट्रेड के अंदर, ऐसे ही नंबर से किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सो ऐसे ही नंबर किसका होगा तो ग्रीस का रहेगा, है ना, और आपका 40 ऐसे ही नंबर 40 ऑयल किसका, 40 टूटी वगैरह ये सब बताया हुआ है। फिर आपका ऑक्टेन नंबर बताया है, C10 नंबर बताया है ना, ऑक्टेन नंबर किसको पेट्रोल को शो करेगा, C10 नंबर किसको शो करेगा डीजल को, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या है, क्या ही जगह टेक्निकल पॉइंट नहीं है, अब जैसे ऑक्टेन नंबर है पेट्रोल की प्रज्वलन क्षमता को कौन प्रदे, तो ये तो सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो, जैसा है वैसा वैसे ही रहेगा, है ना। अच्छा, इंजन की ईंधन प्रणाली, अब ईंधन प्रणाली के अंदर पाइपलाइंस हैं भाई, सीधी सी बात है, आपको मैंने बता दिया FIP बता दिया, FIP के बाद में इंजन तक इंजेक्टर तक बता दिया, अब वो आपकी जो ईंधन प्रणाली है वहाँ से वहाँ तक जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम आप खुद देख करके, और सही बात तो ये वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता है, जब क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता तो फिर माइंड में हमारे भी टच नहीं होता है। पहले ये सब चीज़ें क्या आती थी, कॉमन आती थी, तो कॉमन आती तो इस वजह से मुझे मालूम है कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन उठाता है, और वही चैप्टरों से भाई पहले क्या करता था, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाता था लेकिन एक पेपर के अंदर, और क्या करता था बहुत सारे पेपर लेता था तो उस एक चैप्टर में से और भी कई सारे क्वेश्चन आते। अब क्या होगा, उस पर्टिकुलर चैप्टर में से एक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन आएंगे एक ही चैप्टर से, यानी लगभग ऑल ओवर कवर कर लेगा वो इस चैप्टर को। तो कुल मिलाकर क्या जाए, मेन जो पॉइंट होता है ना, जैसे 4-स्ट्रोक इंजन है, 2-स्ट्रोक इंजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिर उसमें SI प्रणाली है, फिर उसमें CI प्रणाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोरेटर एक अलग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में इंजेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी है। आगे जो भी होगा वो हम करेंगे आपके लिए क्वेश्चंस वगैरह और अच्छे, जैसे समय मिलेगा, समय देखो समय की सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप एकदम से कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ भाई, अब मेरे को थोड़ा पढ़ाने दो, हाँ फिटर में भी एक वो डेंटिंग पेंटिंग के बारे में फिटर में पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे भैया, देखो सरफेस फिनिशिंग का चैप्टर आएगा,
सरफेस फिनिशिंग में कोटिंग आएगा, है ना, कोटिंग के बारे में आपको बताएंगे। और आपके कोटिंग मतलब डेंटिंग पेंटिंग का ही काम होता है कोटिंग। कोटिंग मतलब किसी सतह के ऊपर, किसी चीज़ की कोई सतह होती है ना उसके ऊपर एक और सतह, है ना कि नहीं, तो कुल मिला कोटिंग का आएगा, है ना, और सरफेस फिनिशिंग में आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन डेंटिंग पेंटिंग में लेथ मशीन पढ़ाएंगे, हाँ से अब लेथ मशीन जल्दी से जल्दी जितना होगा जल्दी से जल्दी लेथ मशीन आपको कंप्लीट कराएंगे। हाँ बेफिक्र रहो, जो चीज़ मानने वाली है वो तो मानेंगे हम आपकी, है ना, बेफिक्र रहो, है ना। हाँ अब इधर ध्यान दो भाई, मैं क्या बोल रहा था आपसे, गन मेटल की बात कर रहा था, गन मेटल, है ना। गन मेटल में क्या होता है, गन मेटल के अंदर ये होता है कॉपर, कॉपर टिन और जिंक, ठीक है, इसका मिश्रण होता है ना। अब ध्यान सुनना, जिंक तो रहता है केवल कितना परसेंट, 2%, कॉपर रहता है 88%, है ना, और आपका क्या नाम है इसका, SN यानी टिन आपका कितना रहेगा, 10%। तो ये होता है आपका गन मेटल का फॉर्मूला। अब गन मेटल के अंदर होता क्या है, गन मेटल से ये क्यों बनाया जाता है कि ये डायरेक्ट किसी शाफ्ट के कांटेक्ट में आएगा तो ये खुद क्या हो जाएगा, ये खुद अपने आप को क्या कर लेगा, ये खुद अपने आप को क्या कर लेगा, समाप्त कर लेगा, खुद कट जाएगा, लेकिन सामने वाले को काटेगा नहीं। देखो और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, देखो ये दिख रहा है ना, ये गन मेटल है, ये दिख रहा है ना जो आपको सामने, वो गन मेटल है। अब गन मेटल को देखो, गन मेटल, अब ध्यान सुनो, गन मेटल होता क्या है, आपके नाम से थोड़ा सा आप समझते हो, गन मेटल है ना, देखो गन के अंदर जो बुलेट होती है ना, बुलेट के अंदर जो मटेरियल यूज में लिया जाता है, बुलेट का जो ऊपरी खोल बनाया जाता है, मैं अंदर बारूद की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो अब ऊपरी जो खोल बनाया जाता है गन मेटल का बनाया जाता है, इसमें हानिकारक क्या होता है, देखो अंदर की जो बारूद होती है नहीं, जो भी चीज़ आपने उसके अंदर मटेरियल जलाया ना, ज्वलनशील, वो तो जल के समाप्त हो जाता है, बुलेट हमारे शरीर के अंदर कहीं पर भी क्या हो जाते हैं, रह जाती है। देखो बुलेट अगर हमारे शरीर के अंदर है तो वो नुकसान पहुंचा सकती है, मरना तो वैसे भी है, मतलब कुल मिलाकर के अगर हाथ में लगा हुआ है बुलेट या कहीं और लगा हुआ है तो भाई डायरेक्ट अगर कहीं लग गया तो मामला तो ही तुरंत ही, लेकिन कहीं हाथ वगैरह में लगा हुआ तो ये 2% जो जिंक है ना, जिंक, अब ये जो 2% जिंक है ना, ये जिंक क्या होता है, ब्लड के साथ क्या होता है, मिलना शुरू हो जाता है ना। अच्छा एक और बात बताओ, जिंक की बहुत कम मात्रा हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता WBC को परिपक्व करती है ना, लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो फिर ब्लड का क्या करता है, सर्कुलेशन को रोकना बंद कर देती है, तो कुल मिलाकर के बुलेट हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा समय के लिए नहीं रहने चाहिए, तो ये 2% जिंक का मामला है ना। अभी गन मेटल आपके समझ में आ गया, ये जितने भी बेयरिंग हैं इन सब में गन मेटल का यूज़ होगा। अब सुनो, एग्जाम में मैं आपसे क्या बोल रहा था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भाई बेयरिंग किस धातु का बना रहता है, तो आपका पहला आंसर जो होना चाहिए, पहला और इम्पोर्टेंट आंसर जो होना चाहिए वो आपका आंसर ये रहेगा, क्या रहेगा, हाई ग्रेड क्रोमियम स्टील या हाई ग्रेड क्रोमियम स्टील या कार्बन स्टील, बेयरिंग किसका बना होता है, हाई ग्रेड क्रोमियम। अगर ये नहीं आता है ऑप्शन के अंदर और नॉर्मल वर्ड दिया हुआ, केवल और केवल क्या दिया है, बेयरिंग, तो उस कंडीशन में आपको आंसर में क्या ले जाना है, गन मेटल ले जाना है। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, क्रोमियम होगा, सेकंड आंसर क्या होगा, गन मेटल होगा, ठीक है। और अगर मान लो ये नहीं आता है तो गन मेटल तो आपका रहेगा ही रहेगा आंसर, तो एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है, एग्जाम में वो कैसे क्या क्वेश्चन करने वाला है, क्वेश्चन सिर्फ पूछ देता है बेयरिंग किसका बना होता है, तो सबसे पहले किस पर जाना है, हाई ग्रेड क्रोमियम स्टील पर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई, अगला पॉइंट हम जरा समझते हैं भाई, ठोस बेयरिंग का क्या है, ठोस बेयरिंग का ये जो सिस्टम है ना वो थोड़ा सा आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है ठोस बेयरिंग, ये कौन सा बेयरिंग है, ठोस बेयरिंग, ठोस बेयरिंग, ठोस बेयरिंग, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, ठोस बेयरिंग आपका एक और ये वाला जो पार्ट है ये भी ठोस बेयरिंग है, ये वाला भाग भी क्या है, ठोस बेयरिंग ही है, लेकिन अब यहाँ ध्यान समझो, इसके अंदर ये बीच में क्या आ गया, एक पार्ट और आ चुका है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आप लोग दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपको शो करके दिखाता हूँ ना। देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, देखना ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ, ये वाला पार्ट भी क्या है, इसके अंदर एक और पार्ट डला हुआ है ना। तो अगर हम बात कर लें, अगर हम बात करें किस पर चलें, बुश बेयरिंग पर चलें, तो ये अब ये जो बुश बेयरिंग है ना, तो बुश बेयरिंग में क्या डल जाता है, बुश बेयरिंग में बुश और आ जाता है, क्या आ जाता है, बुश, इसे क्या कहेंगे, बुश, है ना। तो ये वाला क्या है, बुश बेयरिंग, बुश बेयरिंग,
यानी कि यहाँ ध्यान समझना मेरी बात को कि भाई देखो, अगर हमारा नॉर्मल अगर बेयरिंग होता, ये वाला बेयरिंग होता, तो ये खुद घिस जाएगा। घिसने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो पूरे को बदलने की हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये वाला पार्ट और डाल देते हैं। अब ये वाला पार्ट जो है वो आपको इस तरीके, बुश है ना, ये बुश है ना, ये क्या है, बुश है, ये क्या है, बुश है ना, किसका बना रहेगा, गन मेटल का बना रहेगा ना, बुश है। अब इसको कहाँ कहाँ ले जाकर हम डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर इस टाइप से डाल देंगे, यानी यहाँ पर एक बुश डला हुआ है ना। अब क्या होगा, ये कभी भी घिसेगा नहीं। तो ये कौन सा बेयरिंग बन गया, बुश बेयरिंग, बुश बेयरिंग है ना, बुश बेयरिंग में। अब देखो ये बाहर का तो ये कौन सा है, ठोस, ठीक है, लेकिन ठोस के अंदर ये जो बुश बेयरिंग पड़ा हुआ वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, कहाँ पर पड़ा हुआ, यहाँ पर डाल दिया गया है। अब घुसेगा तो क्या घिसेगा, बुश घिसेगा। अब आपको याद करो, अपन के घरों में क्या होता है, पुराने वाले कूलर थे ना, पुराने वाले कूलर के अंदर से जब हम उसे खोलते थे तो साइड में दो बुश निकल के आते थे ना, वो बिल्कुल लाल रंग के हुआ करते थे, कॉपर टाइप के ना। तो जब हम उन्हें बाहर निकाल लेते थे तो वो जो बुश रहता है ना, वो कभी शाफ्ट को नहीं काटता है, वो खुद कट जाता है। तो एक समय के बाद में हमें वो बुश क्या करने पड़ते हैं, चेंज कराने पड़ते। तो आपने सुना भी होगा इसके बुश चेंज होंगे अब तो वो बुश होते हैं ना, इधर की तरफ दो एंडिंग पॉइंट रहते हैं ना, उनके अंदर लगा रहता है बुश, ठीक है। तो बुश बेयरिंग कहलाता है, ये सपोर्ट बीच में देता है, ठीक है। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, बुश बेयरिंग के बाद में अब आ रहा है ये फुट स्टेप बेयरिंग। कौन सा बेयरिंग आ रहा है, फुट स्टेप बेयरिंग को आप यहां पर भी देख सकते हैं ना, फुट स्टेप बेयरिंग। अभी जो हमने बेयरिंग ले रखा था, अभी इससे पहले जो हमने बेयरिंग ले रखा था, ये कौन सा बेयरिंग था, बुश बेयरिंग था। इसे ही हमने क्या किया, ऊर्ध्वाधर, मतलब ये तो क्या नाम है आपके, जिस जो खड़ी शाफ्ट रहती ना, ऊर्ध्वाधर शाफ्ट को सहारा प्रदान करने के लिए हम किस बेयरिंग का यूज़ करेंगे, बुश फुट स्टेप का, किसका यूज़ करेंगे, फुट स्टेप का। फुट स्टेप बेयरिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो शाफ्ट रहेगी ना, शाफ्ट रहती ना वो यहाँ पर क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। अब देखो शाफ्ट जब यहाँ फिट हो जाएगी, जब यहाँ शाफ्ट क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी, शाफ्ट लंबी है ना, तो जब शाफ्ट यहाँ फिट हो जाएगी तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर एक बुश डला हुआ है, बुश भी डला हुआ है यहाँ पर ना, बुश क्या करेगा, खुद घिस जाएगा, लेकिन शाफ्ट को किनारों से घिसने नहीं देगा, यानी शाफ्ट को साइड से जो है वो घिसने से बचाएगा। कौन बचाएगा, बुश। बुश के साथ साथ इसमें और भी कई पार्ट डले होंगे, देखो समझना मेरी बात को। एक तो आपको बुश बेयरिंग पड़ेगा ना, कि नहीं, अच्छा, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कॉनवेव टाइप का, थोड़ा सा उभरा हुआ टाइप का डिस्क, यहाँ पर ये दिख रहा ना, ये वाली, ये जो कॉनवेव टाइप की क्या रहेगी, एक डिस्क रहेगी यहाँ पर, ठीक है। ये क्या रहेगा, देखो मैं आपको दोबारा से यहाँ बना के बताता हूँ हल्का सा। यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट है ना, ये एक डिस्क टाइप का रहेगा, और जो शाफ्ट के साथ में नीचे की तरफ पॉइंट कॉन्टैक्ट देगा। कौन सा कॉन्टैक्ट देगा, पॉइंट कॉन्टैक्ट, यानी नाक के बराबर क्या नाम है, इसको शाफ्ट को छुएगा और खुद कट जाएगा, लेकिन शाफ्ट को काटेगा नहीं, ठीक है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये किए वाला इम्पोर्टेंट पार्ट है। बाकी लुब्रिकेंट वगैरह हम यहाँ करेंगे ही सही, है ना। तो यहाँ पर हम ग्रीस का भी यूज़ करेंगे, और यहाँ पर नॉर्मल ऑयल का भी यूज़ करेंगे ना। अच्छा, ध्यान समझना, हाँ, ये यहाँ पर जो ऑयल किया जाएगा 40-60 ऐसे ही नंबर का किया जाएगा ना, ऐसे ही नंबर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बेयरिंग है ना, ये यहाँ तो फिट हो जाएगा, और किसी भी ऊर्ध्वाधर शाफ्ट को ये क्या करेगा, सहारा देने का काम कर देगा, ठीक है। किसी भी खड़ी शाफ्ट को सहारा देने का काम कौन करेगा, फुट स्टेप बेयरिंग, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान समझो, यानी कि किसी भी क्षैतिज शाफ्ट को हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है ना, शाफ्ट को सहारा देने का कार्य का
कार्य। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई किसी क्षैतिज शाफ्ट को सहारा देने का कार्य किसका है, तो आपको कौन सा क्या बोलना है, सॉलिड बेयरिंग बोलना है ना, सॉलिड में भी कौन सा, बुश बेयरिंग बोलना है, ठीक है। बुश बेयरिंग भी बोल सकते हो, सॉलिड भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते, दोनों क्षैतिज को। अब ये क्या कार्य काम करेगा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर शाफ्ट को सहारा प्रदान करने का कार्य, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। यानी कोई भी खड़ी शाफ्ट होगी, उस खड़ी शाफ्ट को सहारा देने का कार्य आपका क्या करना पड़ेगा, आपको कौन करेगा, आपका ये कौन सा करेगा, फुट स्टेप बेयरिंग। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पर। अगले पॉइंट पर चलें, देखो है ना, दिख रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। हाँ अच्छा, अगले नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। तो भाई हमारे ये सब चीज़ समझ में आ गई, हमें फुट स्टेप बेयरिंग समझ में आ गया। अगर ये फुट स्टेप बेयरिंग नहीं होता ना, तो शाफ्ट क्या होती, नीचे की साइड खड्डा करती, जहाँ पर भी आपको उसको सपोर्ट देते, खड़ी शाफ्ट को अगर आप कहीं सपोर्ट देते ना, तो नीचे की साइड क्या करती, वो खड्डा कर सकती थी। तो उसके लिए क्या है, फुट स्टेप बेयरिंग है। अब फुट स्टेप बेयरिंग के बाद में आ रहा है थ्रस्ट बेयरिंग, है ना कि नहीं, या थ्रेड बेयरिंग। अब देखो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है थ्रस्ट बेयरिंग है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे आराम से। थ्रस्ट बेयरिंग ये क्या होता है, थ्रस्ट बेयरिंग आपने ये देखा भी होगा चारा काटने वगैरह मशीन वगैरह के अंदर देखा होगा इसका। और कहाँ यूज़ है, जो अपने आर्मी के अंदर टैंक वगैरह के अंदर जो यूज़ में लिया जाता है, वहाँ पर भी थ्रस्ट बेयरिंग उपयोग में लाया जाता है। क्रेन वगैरह के अंदर जहाँ हैवी लोड पड़ता है, वहाँ पर भी ये बेयरिंग उपयोग में लाया जाता है। देखने में ये कुछ और इस तरीके का भी रहता है, देखो ये इस तरीके का मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान समझना ज़रा। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो ध्यान समझो, ये थोड़ा सा इस तरीके का रहेगा, है ना, इस तरीके का रहेगा, ये स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ है, ये कैसा थ्रेड कटा हुआ है, स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ है, ठीक है। और स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ है तो देखो भाई ये कुछ इस तरीके से होगा, देखो ये स्क्वायर थ्रेड कटे हुए हैं, स्क्वायर थ्रेड के अंदर यहाँ पर कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर इस तरीके का कोई पुर्जा रहेगा जो इसके अंदर क्या हुआ, एंटर कर जाएगा। और एंटर करने के बाद में आप क्या करोगे, लोड आप किसके ऊपर डालोगे, लोड आप किसके ऊपर डालोगे, इस वाले पुर्जे के ऊपर आप क्या करोगे, लोड डालोगे। ये आपका वेट है ना, ये आपका क्या है, वेट पड़ेगा इसके ऊपर। तो एक समान रूप से क्या करेगा, भार को क्या करेगा, बांट देगा। अब ये बहुत लंबा हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। यानी वेट किस पर डलने वाला है, इस पर क्या डलने वाला है, इस वाले पार्ट पर आप क्या डाल सकते हो, वेट डालोगे। अब वेट किधर से डालोगे, अब वो डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ पर इस मशीन को, पुर्जे को लगाया हुआ है। अच्छा, ये शाफ्ट कहाँ रहेगी, बीच में, है ना, ये शाफ्ट कहाँ रहेगी, बीच में। इसके नीचे कोई मूवेबल पार्ट हो सकता है, यानी इसके ऊपर वजन रहेगा, ये मूवेबल कोई व्हील से या कोई भी फ्लाई व्हील से या कोई भी पुली से या कुछ भी चीज़ से ये क्या होगा, कनेक्ट रहेगा। और कनेक्ट रहने के बाद में ये हो सकता है उसको क्या करे, आगे और पीछे मूवमेंट कराए। और जो आपका वजन है वो वजन इसके ऊपर रखा रहेगा और क्या होगा, मशीन क्या रहेगी, आपकी चलती रहेगी। तो ये आपका कौन सा होगा, थ्रस्ट बेयरिंग है ना, और स्क्वायरल थ्रेड बेयरिंग भी कर सकते हैं इसको। तो जरा आपने यहाँ क्या क्या समझा, जरा मेरी बात को समझना, अभ्यास समझना, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर लो थोड़ा सा, है ना। देखो सॉलिड बेयरिंग खुद मतलब जो क्या करेगा, केवल और केवल क्षैतिज शाफ्ट को सहारा देगा। बुश बेयरिंग सॉलिड बेयरिंग को घिसने से बचाएगा, ठीक है, खुद घिस जाएगा। फुट स्टेप बेयरिंग खड़ी शाफ्ट को सहारा देगा। और स्क्वायरल थ्रेड बेयरिंग ये क्या करेगा, क्या नाम है, हैवी लोड को अटेंड करेगा ना, सबसे ज़्यादा उच्च भार को। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई उच्च भार उठाने वाला बेयरिंग कौन सा है ना, ये उच्च भार है ना, मतलब लोड तो उठाएगा, लोड तो सभी उठाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लोड ज़्यादा उठाएगा। सबसे ज़्यादा लोड कौन सा उठाता है, या 2G 3G और 4G का लोड, मतलब 2 गुरुत्वाकर्षण से दोगुना है ना, और क्या नाम है, 2G 3G 4G 5G 6G है ना, तो ये जो लोड उठाता है वो निडल उठाता है। सबसे ज़्यादा लोड, वैसे बहुत ज़्यादा
उच्च गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लोड उठाने का काम निडल बेयरिंग कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उच्च भार, एक सीमा तक भार को कौन उठाएगा, स्क्वायरल थ्रेड बेयरिंग। ठीक है, अब ध्यान समझना, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन घर्षण किस में होगा, तो सर्वाधिक घर्षण उत्पन्न करने वाला बेयरिंग कौन सा है, ये स्क्वायरल थ्रेड बेयरिंग। सर्वाधिक क्या होगा, घर्षण होगा। सबसे ज़्यादा घर्षण यानी फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा, तो स्क्वायरल थ्रेड बेयरिंग के अंदर होगा। किसके अंदर होगा आपका, स्क्वायरल थ्रेड बेयरिंग के अंदर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको और आगे कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ, किसके अंदर होगा, स्क्वायरल थ्रेड बेयरिंग के अंदर होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा घर्षण होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अब आ रहे हैं किस पर, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। अब किस पर आ रहे हैं, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। बिल्कुल साहब, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ, इसके कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। हाँ बिल्कुल, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगी एक एक बात, बेफिक्र रहो, है ना। चलते रहो, केवल मेन बात तो टेक्निकल पॉइंट समझ लो, पर टेक्निकल पॉइंट नहीं समझे तो फिर मामला सारे सारे, ये तो ये मेटल ऐसा है जो घिसता है, ये मेटल ऐसा है जो घिसता नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ों को समझो, एक एक चीज़ को, है ना। अब देखो भाई, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब देखो हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे में क्या आने वाला है, अब देखो अगला आने वाला है, ये आपका कौन सा आने वाला है, बॉल बेयरिंग। कौन सा आने वाला है, बॉल बेयरिंग। देखो अब क्या आने वाला है, बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग में क्या होता है, देखो भाई क्या होता है, बॉल्स रहती है ना, और बॉल कौन सा कांटेक्ट बनाती है, पॉइंट कांटेक्ट यानी बिंदु संपर्क, पॉइंट कांटेक्ट बनाती है ना किसी भी सतह के साथ में। बॉल बेयरिंग क्या करती है, पॉइंट कांटेक्ट। बॉल जानते ना, बॉल क्या रख दी जाए तो फिर क्या होगा, सतह के साथ में कौन सा कॉन्टैक्ट रहेगा, पॉइंट कॉन्टैक्ट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे कम घर्षण होता है, सबसे कम घर्षण किस बेयरिंग में होता है, बॉल बेयरिंग में होता है। दूसरी बात, एक और बात याद रखो यहां पर, सर्वाधिक उच्च गति, उच्च गति है ना, सर्वाधिक गति पर कार्य करने योग्य बेयरिंग कौन सा है, तो आपको क्या बोलना है, बॉल बेयरिंग। ठीक है, और सबसे कम भार उठाने वाला बेयरिंग भी कौन सा है आपका, कौन सा रहेगा आपका, हमेशा ध्यान रखना, कौन सा रहेगा, बॉल बेयरिंग रहेगा। बेफिक्र रहो, यहां पर समझ में आ गई होगी बात, कम भार उठाने वाला बेयरिंग भी कौन सा रहेगा, बॉल बेयरिंग रहेगा। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर चलते हैं। बॉल बेयरिंग का ये इनर आउटर रिंग है, इनर रिंग है, फिर अंदर थ्रस्ट कटा हुआ है, फिर इसके अंदर बोरिंग है। अब ये वाला क्वेश्चन जो था वो भोपाल बोर्ड में आया हुआ था, भोपाल में आया है 2014 के अंदर, है ना। क्या आया था क्वेश्चन कि बताओ, बॉल बेयरिंग में दो बॉल्स के मध्य, ये एक बॉल है, ये दो बॉल है, दो बॉल के मध्य गैप बनाए रखने का कार्य किसका होता है ना, तो आपको बोलना है केज का, किसका होता है, केज का। तो यहाँ पर ये जो बीच वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा ना, इसके अंदर देखो बॉल तो यहाँ मौजूद है, बॉल तो कहाँ मौजूद है यहाँ पर। अब बॉल्स के बीच में जो गैप बना हुआ है ना, वो गैप कैसे पॉसिबल है, तो आपको यहाँ पर एक पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ मुड़ गया है ना, इसके बाद में ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, है ना, ये वाला पार्ट इस तरीके से बॉल को इसने पटक पटक रखा है, फिर ये वाला पार्ट इसने इस तरीके से क्या कर रखा है, बॉल को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। तो ये जो बॉल्स के बीच में जो गैप बना हुआ ना, वो बॉल्स के बीच में जो गैप बना रखा है, वो किसने बना रखा है, केज ने। अभी ये क्वेश्चन आपके भोपाल बोर्ड में, आरआरबी भोपाल के अंदर ये पूछा जा चुका है, फिटर वालों विशेष तौर पर ध्यान देना, है ना। पहले तो कॉमन पेपर होता था, लेकिन अब थोड़ा अलग अलग हो गया। अब ध्यान समझो, यहां पर क्या है, रोलर बेयरिंग। कौन सा बेयरिंग है, रोलर बेयरिंग, है ना।
ठीक है, इसमें कौन सा होता है, लाइन कॉन्टैक्ट होता है। कौन सा कॉन्टैक्ट होता है, लाइन कॉन्टैक्ट, रेखा संपर्क करता है, लाइन कॉन्टैक्ट, यानी कि जब भी बेयरिंग जो छुएगा, जब बेयरिंग क्या करेगा किसी सतह को क्या करेगा, छुएगा, ठीक है, तो ये जब भी सतह को क्या करेगा, छुएगा, तो एक किस तरीके का कॉन्टैक्ट आएगा, लाइन कॉन्टैक्ट। तो ये किस में छुएगा, लाइन, लाइन में छुएगा, है ना। और अभी जो हमने जो इसको अभी हमने देखा था, इसमें बॉल जब किसी सतह को क्या करेगी, इस छुएगी, तो ये क्या करेगा, ये यहां पर कौन सा है, पॉइंट, पॉइंट कॉन्टैक्ट, यानी बिंदु संपर्क, कौन सा है, बिंदु, है ना, बिंदु संपर्क है, ठीक है। वहां लाइन कॉन्टैक्ट यानी रेखा संपर्क, यहां पर क्या है, रेखा है, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब इसमें जो भार, इसमें घर्षण क्या होगा, बॉल बेयरिंग से तो ज्यादा होगा घर्षण, फ्रिक्शन जो होगा वो बॉल बेयरिंग से थोड़ा ज्यादा होगा, और भार भी बॉल बेयरिंग से क्या करेगा, ज्यादा उठाएगा, लेकिन केवल और केवल बेल्ट यानी कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर बेल्ट जो रहती है, कन्वेयर बेल्ट के लिए काम में लाया जाएगा, सीधी गति में काम में लाया जाएगा। कैसी गति में काम में लाया जाएगा, सीधी गति में। सीधी गति मतलब जहां पर, मतलब अगर ये बेयरिंग जहां पर भी लगाया जाए वहां सीधी गति होना बहुत जरूरी है। इसमें हल्का सा भी कर्व हुआ गति के अंदर तो मामला क्या हो जाएगा, बेयरिंग का खत्म हो जाएगा, फिर वो नुकसान हो जाएगा, है ना। तो सीधी कन्वेयर बेल्ट के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, सीधी गति में उसका उपयोग किया जाएगा। अधिक भार उठाने में सक्षम, अधिक भार और उच्च गति, और उच्च क्या रहेगी, गति रहेगी ना। तो उच्च गति के लिए इस बेयरिंग का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जहां भार हमें ज्यादा चाहिए, वजन ज्यादा चाहिए और गति भी क्या हो, थोड़ी सी फास्ट हो, वहां किसका होगा, रोलर बेयरिंग का यूज होगा, ठीक है। अब देखो, अब अगला जो आ रहा है वो आ रहा है टेपर रोलर बेयरिंग। कौन सा बेयरिंग आ रहा है भाई, टेपर रोलर बेयरिंग। टेपर रोलर बेयरिंग में क्या है, क्वेश्चन कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए इसके, लेकिन थोड़ा सा मुझे हल्का सा टाइम मिलना चाहिए ना। देखो टेपर रोलर में आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर भी कांटेक्ट तो वही होगा, लाइन कांटेक्ट, कांटेक्ट तो कौन सा होने वाला, लाइन कांटेक्ट, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना किसी चीज से किसी को, तो यहाँ पर वो क्या होगा, यहाँ पर जो कांटेक्ट आएगा वो कौन सा कांटेक्ट आएगा, वो कौन सा आएगा, लाइन आएगा, है ना। यहाँ पर कौन सा वाला कांटेक्ट आने वाला है, लाइन कांटेक्ट ही आने वाला, लाइन, है ना। लाइन कॉन्टैक्ट ही आने वाला, लेकिन यहाँ पर एक बात है, दो बल होते हैं, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, अपकेंद्रीय बल रहता है, अपकेंद्रीय, अच्छा अपकेंद्रीय साथ साथ अपकेंद्रीय तथा अभिकेंद्रीय, बलों को संतुलित करने का कार्य करने का कार्य। जितने भी अपकेंद्रीय बल हैं, जितने भी आपके घूर्णन करने वाली मशीन है, जैसे ट्रक, देखो ट्रक के अंदर जो व्हील रहता है ना, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, है ना, और क्या नाम है इसके साथ में आपका, रेलगाड़ी यानी ट्रेन, है ना। तो रेलगाड़ी के पहियों में, के पहियों में, बताने को तो मेरे मन में बहुत सारी चीजें, मैं आपको यहाँ बैठे बैठे बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है। कभी भी कर्व होता है ना, देखो कभी भी कर्व होता है ना, कहीं पर भी गोल घुमाव जब आता है तो ध्यान समझना, अंदर वाला हिस्सा तो चलता है कम और बाहर वाला हिस्सा क्या चलता है, ज्यादा। तो बाहर वाले हिस्से
लोड की बात करते हैं तो अंदर जब कोई भी चीज घूमती है तो यहाँ पर W का मान यानी वेट का मान कम हो जाता है और यहाँ पर वेट का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। अगर मान लो अगर ये टेपर शेप में नहीं होता तो पता है क्या हो जाता है, ये यहाँ पर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ये गति करने में सक्षम नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें वैसे बढ़ाने के लिए यहाँ पर, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ समझ लेना। तो जहाँ पर भी अच्छा, तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उपयोग है ना, तो जितनी भी ऑटोमोबाइल है ना करता है, ठीक है। तो अपकेंद्रीय तथा अभिकेंद्रीय बलों को संतुलित करने का पहियों में उपयोगी है, समझ गए होंगे मेरी बात। और भी है ट्रेन के, ट्रेन में जो ट्रेन रहती है ना अपनी, जो ट्रेन के अंदर आपका वो क्या करना, कोई जब क्या हो रहे थे, कर्व कर रहे थे, जब मुड़ रही होती है ना ट्रेन, तो मुड़ने के पीछे मैन जो है ना वो जिम्मेदार जो चीज़ है वो है बैरिंग, है ना। ये अगर ये बैरिंग नहीं होता तो शायद इतना आसानी से कर्व नहीं ले पाते, इतनी आसानी से मुड़ नहीं पाते, है ना। और बाकी तो वो ट्रैक को ऊपर नीचे बनाया जाता वो बहुत अलग होती है। यहाँ पर बात क्या है कि रेल की जो पटरी होगी ना उसके जो जहाँ से मुड़ेगी ना वहाँ पर, ये देखो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों में क्या होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, फिर भी क्या हो जाती है ट्रेन मुड़ जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे फिनिश कर लूँ, उसके बाद में अभी आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पर अगला पॉइंट जो है अभी के कौन सा निडल बैरिंग, कौन सा बैरिंग आ रहा है, निडल बैरिंग है ना। बेरिंग देखो वायुयान के पहियों में, वायुयान के पहियों में, के पहियों में ध्यान से समझना, जब भी कोई प्लेन क्या करता है अपनी लैंडिंग करता है तो लैंडिंग करते समय होता क्या है, वो अपने भार से कई गुना ज़्यादा वजन से लैंडिंग करता है। तो जैसे ही वो आता है ना ज़मीन पर तो उसका मेन तो शोकर का वर्क होता है, शोकर दबते हैं ना, शोकर दबने के बाद में सारा प्रेशर किस पर जाता है, व्हील पर जाता है, और व्हील पर भी जाएगा तो व्हील में भी किस पर जाएगा, आपका बेयरिंग पर जाएगा। और जब ये बेयरिंग पर प्रेशर इतना जाएगा और वो भी कितना, पूरे प्लेन का वज़न, और वज़न भी कैसा, दुगना चार गुना है ना कि नहीं, तीन गुना इस तरीके से है ना। जब इतना हैवी प्रेशर एकदम से किसी चीज़ पर पड़ेगा तो पता है क्या होता, अगर मान लो ये रोलर होता, बॉल होता या कुछ और होता, देखो अगर रोलर होता है ना या बॉल होता, जैसे मान लो बॉल होता तो बॉल के ऊपर जैसे ही प्रेशर पड़ता ना, बॉल के ऊपर जैसे ही प्रेशर पड़ता ना तो बॉल क्या हो जाती, इधर उधर क्या हो जाते, सारी की सारी बॉल्स क्या हो जाती, निकल जाती, निकल जाती तो मतलब क्या हो जाता, हमारा मामला बिगड़ जाता, फ्लॉप हो जाता। अगर हम इसकी जगह पे क्या देखते हैं, अब हम इसकी जगह पे हम देख लेते हैं रोलर बेयरिंग देख लेते हैं, कौन सा बेयरिंग देख लेते हैं, रोलर, इसकी जगह पे हम क्या देख लेते हैं, रोलर बेयरिंग देख लेते हैं। तो रोलर में भी क्या होता, जो रोलर होते हैं ना अंदर के जो रोलर होते हैं ना, वो रोलर भी क्या हो जाते हैं आपके, वो भी क्या हो जाते हैं, जैसे ही लोड पड़ता है ना तो लोडर रोलर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, और सारा सारा लोड क्या हो जाता है, सारे सारे बेयरिंग इकट्ठे हो जाते हैं, और केज क्या हो जाता है इसका, बाहर का जो आपका कह सकते हैं आउटर थ्रेड जो होते थे वो टूट जाती है। अब हमने यहाँ क्या किया, निडल बेयरिंग लिया। निडल बेयरिंग में क्या होगा, निडल बेयरिंग में होगा क्या कि एक रोलर नहीं है, काफ़ी सारे रोलर हैं ना यहाँ पर, है ना, ध्यान समझना। होगा क्या, देखो यहाँ पर जो लोड है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, लोड क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये लोड जैसे ट्रांसमिट होगा ना, देखो ये बहुत सारे है ना बहुत सारे क्या है, नेडल है। तो नेडल में क्या होगा, जैसी लोड पड़ेगा ना नेडल के ऊपर ये जैसी लोड पड़ेगा ना, तो लोड पड़ते ही बहुत सारा सारा जो लोड है ना वो ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी सभी में आपस में बराबर बराबर रूप से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लोड क्या हो जाएगा, देखो इसका लोड एक दूसरे के ऊपर बढ़ जाएगा, इसका लोड इसके ऊपर बढ़ जाएगा, यानी सब अपने अपने लोड को क्या कर लेंगे, संभाल लेंगे, सभी दिशाओं में अपने अपने लोड को क्या कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो उच्च से उच्च मान का भार कौन सा बेयरिंग सहन कर सकता है, उच्च से उच्च मान का भार कौन सा बेयरिंग सहन कर सकता है, तो निडल बेयरिंग, उच्च से
उच्च भार सहन करने योग्य। तो आपको हमेशा याद रखना सर्वाधिक उच्च भार सहन करने योग्य बेयरिंग कौन सा है आपका, कौन सा आएगा, निडल बेयरिंग, है ना। और आपका यहाँ निडल बेयरिंग का एक ही यहाँ पर मैंने आपको यूज बताया वायुयान के पहियों में। इसके अलावा इसके में जो फ्रिक्शन होगा घर्षण क्या रहेगा, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में सर्वाधिक घर्षण है, इसका एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में सर्वाधिक घर्षण है ना। तो घर्षण का मान क्या है, घर्षण क्या है, अधिक है ना, घर्षण अधिक, लेकिन इतना भी अधिक नहीं है जितना थ्रस्ट बेयरिंग के अंदर हमने देखा था। थ्रस्ट यानी थ्रेड बेयरिंग, स्क्वायरल थ्रेड बेयरिंग के अंदर जितना हमने देखा था उतना नहीं है, इसमें फ्रिक्शन थोड़ा सा क्या है, कम है। बैठ गया होगा यहाँ तक दिमाग में। इसके बाद में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखो इसको टाइम थोड़ा लगेगा इसमें ना, एक काम करते हैं आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इसको आप इतना कंप्लीट कर लो ताकि हम अगली क्लास में जब आएँ तो इसके क्वेश्चंस वगैरह भी देख सकें और भी कई चीज़ों के बारे में इसको समझ सकें ना। तो आप इतना थोड़ा सा कंप्लीट करना हो, घबराना मत बिल्कुल भी, धीरे धीरे पढ़ते रहो। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस का पूरा सेक्शन लेंगे, पूरा मतलब वो लेंगे, तो उसके अंदर आपके क्वेश्चन जो भी पार्ट है ना, पहले सभी को थोड़ा सा सब्र हो जाने दो सारा का सारा, नहीं तो मामला क्या हो जाएगा। फिटर वाले बोलेंगे बोला साहब हमें नहीं पढ़ाया, डीजल वाले बोलेंगे टर्नर वाले डीजल तो पढ़ा दिया, टर्नर और मशीनिस्ट सब लोग क्या करेंगे, पागल से हो जाएंगे, बोला सर हमारा नंबर तो आ ही नहीं रहा। अभी देखो रेफ्रिजरेशन वाले रेफ्रिजरेशन का बोल रहे हैं ना, है ना। तो कुल मिलाकर आप धीरे धीरे क्या करते जाओ, पढ़ते रहो, बेफिक्र रहो, है ना। बेयरिंग का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर, और ध्यान सुनो ये बेसिक नॉलेज। फिटर एक ऐसी ट्रेड है जो सभी ट्रेडों की क्या है, गुरु मानी जाती है ना, मैन लीडिंग ट्रेड मानी जाती है, इसके अंदर सभी ट्रेडों का ज्ञान छिपा रहता है ना। तो कुल मिलाकर के आप लोग लगे रहो, अगर आप धीरे धीरे जुड़े रहोगे तो एक एक पॉइंट आपका यहाँ क्लियर होता रहेगा। और मैं एक बात, जो लोग समझदार हैं ध्यान सुनना मेरी बात, जो लोग समझदार हैं उन लोगों के मैंने मतलब जो बच्चे हमारे जो पुराने भी हैं वो भी बोला सर मैं तो ऑल ओवर देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ ऑल ओवर, क्यों पता नहीं है सर, रेलवे पता नहीं कहाँ से उठा के क्या देने वाले। जो लोग एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, थोड़ा चोट खाए हुए हैं, या फिर जो लोग जानते हैं तो वो लोग समझ रहे हैं कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, कि भाई यहाँ समझो अगर आप ऑल ओवर देखते हुए चलते हो चीज़ों को, देखना आपके साथ में मैं आप जहाँ, ये मेरी पर्सनल राय मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि भाई आपका पेपर में इस बार कुछ ऐसा भी होने वाला है कि 10 से 8-10 क्वेश्चन लगभग इधर उधर से ट्रेडों से आएंगे, मेरे लग रहा है मेरे चांस है ना। लेकिन फिर भी आप है ना अपनी ट्रेड पर तो विशेष ध्यान दो, 35% क्वालिफाइंग करना है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है ना। घबराओ मत, आप लगे रहो धीरे धीरे ना, और क्वेश्चंस मैं और करवा दूंगा आपको हर ट्रेड के बढ़िया क्वेश्चंस, और ज़्यादा ऑल ओवर ले लेंगे ना। अच्छा ध्यान सुनिए मेरी बात, हाँ ड्राइंग भी बिल्कुल, इसके बारे में बातचीत चल रही है धीरे धीरे कुछ ना कुछ इसका, और ऐसा कर देंगे आपको बेफिक्र रहो, मतलब जो आएगा ना 100% आएगा ड्राइंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो फिर भी बहुत ज़्यादा सिलेबस, वहाँ सिलेबस भी इतना हैवी नहीं है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हो जाएगा वो भी, ठीक है। अच्छा केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह कुछ नहीं, अभी मेरे यहाँ कुछ नहीं हो, PCM का नहीं हो पाएगा, PCM फिजिक्स में जिन्होंने मैथमेटिक्स बोले रखा वो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ना। तो आज के लिए धन्यवाद करते हैं, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मतलब शेयर कर दो वीडियो को, है ना, और आपके अधिक से अधिक दोस्तों को बताओ, और इसका PDF डाउनलोड कर लेना, PDF वाले उस पर जाकर के है ना, कि नहीं अभी एक आध डेढ़ घंटे दो घंटे बाद आप लोग है ना इसका क्या कर लेना, PDF वगैरह डाउनलोड कर लेना, है ना। दस एक मिनट में आपका इसका मिल जाता है ना, 10 मिनट बाद अगर आप इसका PDF डाउनलोड करोगे हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।